हेलो एवरीवन, आज हम मीडियम एक्सेस टेक्निक में स्लॉटेड अलोहा टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्लॉटेड अलोहा वाज इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा। स्लॉटेड अलोहा इन्वेंट हुआ प्योर अलोहा की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इन स्लॉटेड अलोहा वी डिवाइड द टाइम इन टू स्लॉट्स ऑफ TFR एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। स्लॉटेड अलोहा में हम टाइम को कई स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं और सभी स्टेशन को फोर्स करते हैं कि वो फ्रेम को किसी भी टाइम स्लॉट के शुरू में ही भेजें। बिकॉज A station is allowed to send only at the beginning of the synchronized time slot. If a station misses this moment, it must wait until the beginning of the next time slot. Time slot की शुरुआत में ही कोई station data या frame भेज सकता है। अगर कोई station शुरुआत में frame नहीं भेज पाया, तो उसे नए time slot की शुरुआत होने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बाद भी कोलिजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई स्टेशन एक साथ किसी भी टाइम स्लॉट की स्टार्टिंग में फ्रेम भेज दे, तब कोलिजन हो सकता है। हाउएवर वल्नरेबल टाइम इज नाउ रिड्यूस्ड टू 1/2। हालांकि स्लॉटेड अलोहा में वल्नरेबल टाइम काफी कम हो जाता है। नाउ वल्नरेबल टाइम फॉर स्लॉटेड अलोहा, तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं स्लॉटेड अलोहा में वल्नरेबल टाइम अलोहा के कंपैरिजन में कम हो गया है। तो वल्नरेबल टाइम फॉर स्लॉटेड अलोहा इज TFR। प्योर अलोहा में वल्नरेबल टाइम क्या था? 2 × TFR। नेक्स्ट इज थ्रूपुट। द थ्रूपुट फॉर स्लॉटेड अलोहा इज S = GE^-G। अगर अपन प्योर अलोहा की बात करते थे तो उसमें था S = GE^-2G। स्लॉटेड अलोहा के केस में मैक्सिमम थ्रूपुट आता है 36.8% जब G की वैल्यू 1 होती है, वेयर G इज एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। सो थैंक यू।